Yes, boss. Eating sugar? No, boss. Telling lies? Yes, boss. Open your mouth. बॉस एक बात बता रहा था, पूरे 24 घंटे तू हमारे साथ था, तो ये सब कैसे हुआ? वो क्या है बॉस? यू आर अ लायर, यू टेल मैडम। भैया जब ये हर दूसरे दिन कोई ना कोई बहाना बनाकर निकल जाता था ना, तो समझ लो ये मेरे पास ही आता था। राघव मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। कर लो बात। आहा हा हा, बढ़िया। आधी रात को अपने बॉयफ्रेंड को अपने घर बुलाकर हमें ढक्कन बनाते हुए जरा सा भी डर नहीं लगा, अब डर लग रहा है बॉस? Shut up! I am asking you, not you. You tell please. हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं भैया। उठो उठो, मैडम तो बड़ी पॉजिटिव लग रही है भाई। तभी तो बॉस मुझे इससे प्यार हो गया। किसी से प्यार करना जरूरी नहीं है, लेकिन उसका मरते दम तक साथ निभाना ये जरूरी है। मेरे पापा बहुत स्ट्रिक्ट है भैया, अगर टीवी में लव मैरिज का सीन आ रहा होता है तो टीवी ऑफ कर देते हैं। ऐसे में वो हमारी शादी के लिए कैसे राजी होंगे? अगर मन सच्चा हो तो भगवान भी साथ देते हैं, तुम्हारे पिताजी को हम मना लेंगे। बॉयज कौन है बे अंदर? चल बाहर निकल बे, बॉस आया है। कंट्रोल कंट्रोल बॉस, हम आज यहाँ गुंडों से लड़ने के लिए नहीं आए, मेरी शादी फिक्स करने आए हैं। सॉरी भूल गया था। आंटी आंटी, अंकल अंकल, कौन चिल्ला रहा है? मम्मा होटल से वेटर लोग यहाँ आए हैं, जल्दी आइए। अबे बॉस मैं ट्राई करूँ क्या? हाँ आंटी आंटी। अंकल रुको, आ रही आंट। नमस्ते। ओ जी कोई बैंड बजाने वाले घर में घुस आए हैं, जल्दी आइए। बैंड कौन आया है? ए, यार बैंड से अच्छा तो वेटर ही था। मैंने कब बुलाया बैंड वालों को? नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते। मेरा नाम पता है इस पूरे शहर में कौन है जो आपको नहीं जानता? सर आइए बैठिए। बॉयज No attitude. Soft, soft. Sorry, sir. अरे आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। कोई बात नहीं, कहिए यहाँ कैसे आना हुआ? ये मेरे बचपन का दोस्त राघव है, आपके 10 गिनने तक ये 20 पहलवानों को धूल चटा सकता है। बहुत शक्तिशाली है लेकिन आपसे बात करने में डर रहा है। ओ। चलो पूछो क्यों। हाँ। अरे पूछिए ना सर। बोलो क्यों। हमने डिसाइड किया है आपकी बेटी को अगवा कर। बॉस अगवा करके नहीं, विदा करके बोलना था। सॉरी वही बोलना था, विदा करके। मेरा ये दोस्त यहाँ से ले जाना चाहता है, लेकिन शर्मिला है ना, अपना हीरो और हीरोइन एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं, बस आपका आशीर्वाद चाहिए तो दोनों की शादी कर देंगे, बस यही कहना था। सहमत है ना? अरे बेटा इसमें मेरी सहमति की क्या जरूरत है, दोनों तैयार है तो मुझे क्या आपत्ति है। चलिए अभी ले जाइए घर। सर आप खुश तो है ना? मेरे पास ऑप्शन क्या है? गुंडों की फौज ले आए हो, अगर मैं नहीं मानूंगा तो ना जाने तुम मेरे साथ क्या करोगे। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो मैं चप्पल से मार के भगा देता उसे। पापा आप गलत समझ रहे हैं। मुंह बंद बिल्कुल। बचपन से तेरी परवरिश करता आया हूँ मैं, तुझे कब और किससे शादी करनी चाहिए इसका फैसला भी बखूबी करना आता है मुझे। अगर तूने इस गटर के कीड़े से शादी की ना तो एक दिन भी तू चैन की नींद नहीं सो पाएगी। जाने किसकी नाजायज औलाद है, गुंडागर्दी में मारा गया तो क्या करेगी? अगर मैंने ट्रिगर दबा दिया ना तो अगले सेकंड आप मर भी सकते हैं। कभी भी किसी पुस्तक को उसके आवरण से नहीं पहचानना चाहिए। अगर मनुष्य अपना भाग्य खुद लिख पाता तो किसी के भी जीवन में संघर्ष नहीं होता। रॉबर्ट एक आखिरी बात, अगर तुम्हें किसी की जिंदगी में हीरो बनना है तो किसी और की जिंदगी में विलन बनना होगा। अब फैसला तुम्हारा है, पिता की जिंदगी में विलन बनना चाहती हो या इसकी जिंदगी में विलन बनना चाहती हो।